हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। BSF हो चाहे CISF, CRPF, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो फोर्सेस खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसमें कुछ फोर्सेस उसका नंबर सार्वजनिक नहीं करते हैं, किस कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला। ये भी सभी फोर्सेस का अपना अलग अलग रूल है। जहाँ SSB जो है वो सबके मार्क्स प्रोवाइड करवा देती है, लेकिन BSF मार्क्स प्रोवाइड नहीं करवाती है। चाहे वो ट्रेड्समैन की भर्ती हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर वर्क्स और इलेक्ट्रिकल की भर्ती हो, या BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भर्ती हो। अब मार्क्स कैसे पता चले? एक कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है कि मुझे तो अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए था, मेरा दोस्त जो है उसका नंबर कम है, वो सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो अब मार्क्स की जानकारी कैसे हो, उसके लिए हमारे पास एक ही हथियार बचता है, RTI। सूचना के अधिकार के तहत दरख्वास्त लगाते हैं आप लोग, और सूचना के अधिकार में आपको एक लाइन का आंसर मिलता है कि सेक्शन 24(1) में BSF को छूट दी गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस को छूट दी गई है, आपको जानकारी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अब जो हमारा रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती हुई है, इस पर भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने RTI लगाया है, अपना आंसर शीट भी मांगा है। अब उन कैंडिडेट्स के पास रिप्लाई भी आने शुरू हो गए हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि उनके पास हवाला आएगा सेक्शन 24(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। तो उसके बाद क्या होना है, उसके बाद सेकंड अपील, वो उसके बाद अपील कर सकते हैं वो अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी भी BSF की ही है, तो वो भी वही रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो होगा केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग का एक ऑर्डर हम आपको दिखा रहे हैं, BSF की भर्ती से संबंधित है। इसमें आपको खुद को समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती है। ये मैटर है धर्मराज जाट वर्सेस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 8 मई 2020, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, बाबा गंगनाथ मार्ग। ये पूरा देखिए एड्रेस दिया है, ये पिटिशनर हैं जिन्होंने दरख्वास्त लगाया। सेकंड अपील नंबर है ये अपीलेंट हो गए, इसमें पिटिशनर नहीं कहा जाएगा, इसमें अपीलेंट कहा जाएगा। और रेस्पोंडेंट कौन है, यहाँ पर रेस्पोंडेंट है PIO, प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, DIG पर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। डेट ऑफ हियरिंग कब हुआ, उसके बाद डेट ऑफ डिसीजन, सेकंड डिसीजन हो गया है 6 मई को इनका हियरिंग हुआ है। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, डिसीजन किसने दिया, रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए रेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पर क्या है कि RTI एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 14/11/2019। उसके बाद में PIO रिप्लाइड, PIO ने देखिए 14/11 से 30 दिन का जो समय होता है उसमें 17/12 को इनके पास में रिप्लाई रिसीव हो गया। फर्स्ट अपील इन्होंने कर दिया 16/12 को ही कर दिया, ये ऊपर नीचे हो सकता है डेट। फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर हो गया 20 फरवरी, क्योंकि उसके बाद में अगला समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है अपीलेट का। तो अपीलेट जब पूरा समय हो जाता है उसके बाद रिप्लाई आता है, और रिप्लाई भी क्या आया कि जो रिसीव। अब सेकंड अपील जो है वो इन्होंने किया, सेकंड अपील कहाँ किया इन्होंने, 20 फरवरी 2020 को इन्होंने किया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब क्या मैटर क्या है वो देखते हैं। द इंस्टेंट केस अराइजेज आउट ऑफ एन RTI एप्लीकेशन डेटेड 14 नवंबर 2019, फिल्ड ऑनलाइन बाय द अपीलेंट सीकिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। देखिए जो मांगा है सूचना, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6 जनवरी 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स। सब इंस्पेक्टर वर्क्स की जो भर्ती हुई उसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका रेडियो ऑपरेटर की तरह। द एपिलेंट सॉट द मार्क्स ऑब्टेंड बाई हिम इन ईच पेपर इन द सेड एग्जामिनेशन। यानी एपीलेंट ने अपने मार्क्स की जानकारी मांगी कि मुझे कितना मार्क्स मिला है। PIO BSF कम्युनिकेशन रिजेक्टेड रिजेक्शन कम्युनिकेटेड रिजेक्शन ऑफ द RTI एप्लीकेशन इनवोकिंग सेक्शन 24 ऑफ द RTI एक्ट वाइड ऑनलाइन रिप्लाई डेटेड 17 दिसंबर 2019। मीनवाइल द एपीलेंट हैड फाइल्ड अ फर्स्ट अपील डेटेड 16 दिसंबर 2019। यानी पहले दिन ही उसको उन्होंने
फर्स्ट अपील किया, जब आपके पास में रिप्लाई टाइम से नहीं आएगा तो आप अपील कर सकते हैं। अपील कर दिया, उसके नेक्स्ट डे इनको रिसीव हो गया कम्युनिकेशन विच वॉज़ नॉट एडजुडिकेटेड, यानी कि जो इनका सेकेंड अपील था वो BSF ने डिस्पोज ही नहीं किया, उसको BSF ने रख लिया। Aggrieved by denial of information, the appellant filed the instant second appeal before the commission. अब second appeal कहाँ होती है उसका आपको process बता दें कि second appeal जो है वो आपको करना होगा Central Information Commission को। अब commission में क्या फैसला होता है उसको हम देखते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, नेशन वाइड लॉकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पर उसका भी हवाला दिया गया है कि ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन बीइंग ऑब्जर्व्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक ऑफ COVID-19 हियरिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये केंद्रीय सूचना आयोग की हियरिंग्स होती है, उसमें आप देश भर में कहीं भी रहते हैं वहाँ के सचिवालय में या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में आपको एक निश्चित डेट को उपस्थित होने का आपके पास में एक लेटर आता है, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी सुनवाई होती है। लेकिन ये भी इन्होंने रोक दिया था कि अपने घर से ही सुनवाई हो और मोबाइल से सुनवाई हुई ऑडियो कॉन्फ्रेंस। द अपीलेंट पार्टिसिपेटेड इन द हियरिंग ऑन बीइंग कॉन्टेक्टेड ऑन हिज टेलीफोन नंबर, देखिए टेलीफोन नंबर जो है इसको हाइड कर दिया गया है, फैसला सार्वजनिक है ये, एंड रिट्रेटेड द फैक्ट्स ऑफ द केस स्टेटिंग दैट ही इज एग्रीड ऑन बीइंग डिनाइल एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेंड बाय हिम। जो अपीलेंट हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। डिसीजन, इन द इंस्टेंट केस द अपीलेंट हैज सॉट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क्स ऑब्टेंड बाय हिम अंडर RTI एक्ट from an organization which is exempt under section 24 of the RTI Act. The foremost point which needs to be addressed in the instant case is the maintainability of the present appeal in view of the applicability of the section 24(1) of the RTI Act 2005 which reads as follow. अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न केंद्रीय सूचना आयोग के सामने ये होता है कि क्या ये जो अपील है ये मेंटेनेबल है, क्या इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अब उस पर क्योंकि फोर्स जो है वो यहाँ पर एक ही बात कहती है कि हमें छूट दी गई है सेक्शन 24(1) में, हम जानकारी नहीं दे सकते। अब सेक्शन 24 क्या कहती है, सेक्शन 24 कहती है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। अब किस ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सबसेक्शन। यानी कि इसका मतलब ये है कि BSF हो चाहे दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य हैं कि एक तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और दूसरा है करप्शन। अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम के मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, एग्ज़ाम की जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसको पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है उसमें, तो इसके बारे में कुछ हमारे हाई कोर्ट्स के फैसले भी हो गए, लेकिन वो फैसले पर हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। अभी हम इसमें क्या कहा है वही बताते हैं आपको। द रेस्पोंडेंट पब्लिक अथॉरिटी इज एनलिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट एंड एज सच एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग ने भी अपने फैसले में लिखा कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी है रेस्पोंडेंट BSF, इनको इसमें छूट प्राप्त है। द ओनली एक्सेप्शन कार्व्ड आउट टू द रूल इज वेयर इन इंफॉर्मेशन sought relates to allegations of corruption, human rights violation and approval to disclosure is accorded by this commission. अब कैसे establish किया जाए, ये तो एक कैंडिडेट के लिए बहुत परेशानी हो जाती है कि वो कैसे establish कर दे कि इसमें corruption के आरोप कैसे लगा दे वो। जब तक कोई concrete evidence नहीं है आपके पास में, आप corruption के आरोप नहीं लगा सकते आप। Thus, the present RTI request must satisfy the two essential conditions. यानी कि जो रिट पर जो
आरटीआई रिक्वेस्ट है वो दो चीज़ों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। किसको? द इंफॉर्मेशन सॉट मस्ट रिलेट टू एलिगेशंस ऑफ करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड द सेम मस्ट नॉट बी बार्ड अंडर द वेरियस एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब उसके लिए सेक्शन 8 भी देखना पड़ेगा कि आप आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन किस आधार पर लगा रहे हैं। द इंफॉर्मेशन सॉट मस्ट रिलेट टू एलिगेशंस, ये हो गया। After hearing the appellant and a perusal of the records of this appeal, it is noted that no case of allegations of corruption or violation of human rights has been made and thus the exemptions carved out under section 24 of the RTI Act are not fulfilled. Hence, the aforementioned case cannot be entertained under the RTI Act and the appellant is advised to seek answers of his queries through appropriate official channels without resorting to RTI Act। इस फैसले में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में कहा कि ये जो आपका नंबर्स जानने का अधिकार है, ये इसमें आपको मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार से इसको रिलेट करना होगा। यदि भ्रष्टाचार से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको करप्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपकी आरटीआई एंटरटेन नहीं की जाएगी, ये मेंटेनेबल नहीं है आरटीआई एक्ट के तहत, ये जो सूचना आप जानना चाह रहे हैं। अब इसके लिए इनको एडवाइस कर दिया कि आप एप्रोप्रिएट फोरम में आप जाइए और वहाँ से अपना मार्क्स पता कीजिए। अब जब बीएसएफ ने नंबर नहीं दिए, केंद्रीय सूचना आयोग कि यहाँ से भी नंबर नहीं मिला, तो नंबर की जानकारी कहाँ से मिलेगी? अब तो नंबर की जानकारी मिलना मुश्किल है। जो एप्रोप्रिएट फॉर्म इसमें कौन सा है, बीएसएफ खुद है, बीएसएफ ने मना कर दिया कि हम नंबर नहीं दिखा सकते। बीएसएफ ने क्लियर कर दिया कि ना तो बीएसएफ ये कहे कि हम नंबर नहीं दिखा सकते। बीएसएफ के आरटीआई जैसे ही लगना शुरू हुआ, हमारे बहुत सारे साथी रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के जो सेलेक्ट हैं, उनको बड़ी परेशानी हो गई और वो बड़े भद्दे कमेंट्स भी हमारे पास आने लगे कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप भड़का रहे हैं। देखिए, हम किसी को नहीं भड़का रहे हैं, और जहाँ तक भड़काने की बात आप करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारों के बारे में कैंडिडेट्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका हक है। अब इसमें भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ठीक है, इनको मार्क्स नहीं दिया गया, मार्क्स की जानकारी इसको नहीं दी गई। In the light of the aforementioned decision, the appeal cannot be adjudicated under the RTI Act and is dismissed. यहाँ पर RTI जो अपील है इनकी डिसमिस हो गई। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है हमारे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में ऐसे फैसले हो गए, ऐसे बहुत सारे फैसले हो गए जहाँ पर नंबर जो है बताने का आदेश किया गया है। लेकिन वो क्या होता है कि उस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इतना कोई फाइट भी नहीं कर सकता कि जो एक पहली एप्लीकेशन आरटीआई की लगाया, उसके बाद रिप्लाई जो आता है वो तो आता है, दूसरी का रिप्लाई ही नहीं आता, बहुत समय तक इंतज़ार होता है। उसके बाद फिर सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग में भी लग जाता है, 12 महीना भी लग जाए, 6 महीना लग जाए, कोई पता नहीं है, 2 साल भी लग जाते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप तब तक क्या होता है कि एक जो तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है, वो वाकई तैयारी करता है अपनी मेहनत ईमानदारी के बूते पर, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा जॉब उसका हो जाता है और वो उसको भूल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो आप मार्क्स प्राप्त करना चाह रहे हैं आरटीआई एक्ट से और अपनी आंसर शीट प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं लगता कि आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी क्या डिसीजन होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो आपको फाइट करना चाहिए। बिना फाइट शुरू किए हुए, बिना जंग की शुरुआत किए हुए आप जीतने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको जीतना है तो जंग की शुरुआत करनी होगी। दो ही रास्ते हैं। जो हमारे साथी री मेडिकल में भी जो अनफिट हो गए थे, बहुत नॉर्मल से पॉइंट थे कुछ साथियों के, बीएसएफ, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में भी बीपी का पॉइंट था। बीपी के पॉइंट में मेडिकल गाइडलाइन ये बात साफ कहती है कि उसका ब्लड टेस्ट होने चाहिए, उसको एडमिट किया जाना चाहिए, उसकी कम से कम 3 रीडिंग लेनी चाहिए। लेकिन बीएसएफ के डॉक्टर ने 1 रीडिंग लिया और गाली भी दिया ऊपर से, और कहा कि ये गोली खा के आया है, भगा दो इनको सबको।
और वो कैंडिडेट घर आ गए, घर पे गार्जियन ने कहा कि दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेना, क्योंकि इसमें गार्जियन की गलती नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता था। और बहुत सारे लोग आसपास जो मिसगाइड करने वाले होते हैं वो भी ये ज्ञान दे देते हैं कि फोर्स ने जो कर दिया वो कर दिया। देखिए फोर्स ने कर दिया, लेकिन गाइड जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो सभी जगह लागू होता है, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, जो भी है। तो फिर आपको कहना चाहूँगा कि आपकी भी RTA एप्लीकेशन डिनाई हो गई है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। यदि आपको लगता है कि मुझे सेलेक्ट होना था, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स तो कम हैं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उसके लिए आप बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। ये आपका हक बनता है और ये आपका हक जो है ये हमारा संविधान देता है हमें। इस हक से ऐसा नहीं है कि कोई नाराज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई नाराज़ हो जाए, होता रहे, नाराज होने से इसमें कुछ नहीं होगा। तो फिर आपको कहना चाहते हैं कि यदि जंग जीतना है तो जंग की शुरुआत करनी होगी। जय हिंद।